साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल में। आज मैं एक बहुत ही विशेष यानी विद्या ज्ञान परीक्षा यानी यूपी विद्या ज्ञान परीक्षा के लिए मैं गणित का पेपर लेके आया हूं। ये इसलिए नहीं लाया कि आपको डराने के लिए, ये इसलिए लाया हूं कि देखें आप लोग पेपर कैसा आता है। चूँकि इनमें सब में फॉर्म को डरा दिए जाते हैं, लेकिन उस पेपर का स्तर देखें और इस स्कूल का स्तर देखें तब जाके आपको समझ में आएगा ये हमें तैयारी करानी कैसे है। तो ये पेपर जो मेरे पास था वो इतना हल्का छपा हुआ है, मतलब उसको किसी ने डाला है, तो इसलिए उस पेपर को मैं आपको बोर्ड पे इसीलिए लिख रहा हूँ जिससे आप सवालों को समझ सकें। फिगर्स कुछ उल्टे टेढ़े थोड़े बहुत बन सकते हैं, इसलिए आप डोंट वरी, लेकिन आप परीक्षा के पैटर्न को अवश्य पहचाने। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे देखिए पहला प्रश्न आया है 7000 प्लस 6 इकाई प्लस 4 सैकड़े। तो याद रखना ये इकाई है, बच्चे अक्सर यही गलतियां करते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे आप देखिए, पहले 7000 दिया गया तो आप 7000 लिख लें, 7000 में 6 इकाई, इकाई के नीचे इकाई यानी 6 कम 6 और 4 सैकड़े, तो 100 चक्कू 400 आप जैसे ही लिखेंगे। और फिर कह रहा जोड़ें, तो जोड़ने से 604 यानी 7406 ऑप्शन यहां से ए बिल्कुल आपको सही लगेगा। अब देखिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो देखिए दूसरा जो हमारा प्रश्न है यहां पे वो है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जीरो और एक बॉक्स का डिब्बा बना हुआ है और जीरो बराबर जीरो। तो सबसे बड़ी बात कभी भी किसी भी संख्या को में जोड़ने से जीरो नहीं आता, चूंकि इधर माइनस नहीं है, तो सदैव दो संख्याओं की गुणा ही जीरो होती है। इसलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह भरा जाना चाहिए, दिया गया ऊपर दिए गए संख्या वाक्य को सही करने के लिए, मतलब जीरो को किससे क्या करें, एक और जीरो है कि वो जीरो आए, बनाने के लिए खाली स्थान के डिब्बे में क्या भरना चाहिए, प्लस, प्लस भरेंगे तो 50 ही आएगा, या ऋण, ऋण करेंगे तभी भी 50 आएगा, गुणा करें या कह रहा, तो या प्लस लग गया तो गुणा तो ठीक था, लेकिन या कह रहा या तो गुणा करें या प्लस करें, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। केवल सी, केवल ऐसा करने पर, केवल गुणा ही करने पर आएगा, भाग करने से नहीं, क्यों, 50 को आप जीरो से भाग करें ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, इसका मतलब इसको डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये भी नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन केवल और केवल सी वाला सही होगा। तीसरा, एक वर्गाकार कागज पर सीधी रेखा बनाकर उसे दो हिस्सों में काट दिया गया है, उसका एक हिस्सा नीचे दिखाया गया है, ये काट दिया गया। अब नीचे दिए गए विकल्प में अब आपको ये समझना है कि अगर वर्गाकार है तो इसको ऐसे मिलाया गया होगा और ये, इसका मतलब ये चीज, ये देखिए पूरा पूरा इसमें बैठ रहा है, इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, चलिए लेके आते हैं। और संख्या चार देखते हैं, आरती ने दो अंकों वाली दो संख्याओं को जोड़ा, नीचे दी गई संख्याओं में से उस जोड़े का क्या उचित उत्तर हो सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि दो अंक की संख्या उसने जोड़ी, किसने, आरती ने, तो दो अंक की संख्या देखिए कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी 10 और सबसे बड़ी होती है 99। अगर वो दो संख्या है 10 10 ही जोड़ देती सबसे छोटी, तो इसका मतलब 20, इसका मतलब कभी भी जोड़ 20 से कम नहीं आ सकता। और अगर वो दोनों संख्याएं 99 99 यानी 99 99 जोड़ देती तो 9 9 18 18 19, तो 198 से ज़्यादा नहीं जोड़ा सकता और 20 से कम नहीं आ सकता। तो इसमें अगर ऑप्शन आप देखें 17 तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता क्योंकि 20 से कम है, 179 हो सकता है, 199 हो ही नहीं सकता, ये देखिए इससे बड़ा है। कितना अच्छा प्रश्न था कि जिसे आप बहुत सावधानी पूर्वक आपको प्रश्न लगाना है, यानी दो अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को जोड़ के देख लेना है इसके बीच में आंसर आएगा, वही उनका उत्तर हो सकता है। अगला, नीचे दिए गए विकल्प में 1576 का, ये 1576 है भाई, सैकड़े के निकटतम मान, अब यहाँ पे आ जाते हैं 1576। अगर आप निकटतम मान की बात करें तो ये हमारा सैकड़ा है। तो आपको पता होगा किसी भी अंक का निकटतम मान निकालने के लिए उसके आगे के अंक को देखते हैं, यानी
आगे अगर ये 5 से अधिक है या 5 से कम है, 5 से कम है तो कुछ नहीं करते, वही अंक लिखे रहने देते। अगर 5 से ज़्यादा है या 5 है तो एक अंक बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 6001, यानी इसे लिख सकते हैं 1600, यानी ऑप्शन सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत दिमाग से आपको करने हैं। सौम्या, दुर्गा, सौम्या और सुदर्शन ने कागज पर नीचे दिए गए आकार बनाए। दुर्गा ने ये आकार बनाया, सौम्या ने ये बनाया, सुदर्शन ने ये बनाया, तो कह रहा है कौन सा आकार सीधी रेखाओं से बनाया जा सकता। तो यहाँ पर आप सबने देखा ये सीधी रेखा यहाँ नहीं है, ये कर्व है, ये देखिए वृत्त जैसा बना है, टेढ़ी रेखा है, तो ये दुर्गा का तो बन ही नहीं सकता। अब ये देखिए, इसको आप बिल्कुल सीधे सीधे बना सकते थे, ऐसे 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 सीधा है, इसमें भी देखिए बिल्कुल सीधी सीधी रेखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये भी सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा से बन सकता। तो इसका मतलब सिर्फ सौम्या नहीं गलत है, सौम्या और दुर्गा के तो बात ही छोड़ दीजिए, सिर्फ सुदर्शन और दुर्गा, सुदर्शन और दुर्गा बिल्कुल सही आंसर है। तीनों इसलिए नहीं है क्योंकि दुर्गा पहले ही उसमें कर्म द्वारा बना चुकी है। चलिए देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ऊपर दिखाई गई आकृति का कितना भाग छायांकित है। ये दिखाया गया है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये आधे से अधिक है, और अगर मैं इसको देखिए बराबर भागों में बटाऊं तो तिहाई से कुछ ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, ऊपर देख कौन सा छायांकित, आधा, आधा तो नहीं है, पहला गलत हो गया, आधे से अधिक बिल्कुल सही है कि आधे से अधिक भी नहीं, आधे से बहुत कम है, एक तिहाई से कम नहीं, एक तिहाई से तो ज्यादा है, ये एक चौथाई से अधिक तो बिल्कुल सही है। मतलब आपको चित्रों की और आपको भिन्न की जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए मेंटल एबिलिटी का है, जबकि मैथ में दे रखा है। मानसी तीन तरह की गेंदों का दिखाया गया, मानसी तीन तरह की गेंदों को दिखाए गए तरीके से एक तराजू पर तौलती है। मतलब ये दिखा रहा है कि मानसी के पास एक तराजू है, उसके पास तीन गेंद है, क, ख और ग, उनको इस तरीके से तौल रही है, तो कह रहा है इनमें से कौन सा सबसे हल्की गेंद है। तो आपको देखिए बहुत आसानी से यहाँ पता लग जाएगा कौन से सबसे हल्की है। तो देखिए यहाँ पर ये का वाली नीचे, जब तराजू में जो चीज नीचे आती है वो क्या होता है, वजन होती है, जैसे आप रखते हो तो जिस तरफ नीचे जाता है वो ज़्यादा वजन होता है, इसका मतलब का जो है वो वजन है किससे, खा से। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं खा खुद ही वजन है, यानी खा जो है खुद वजन है किससे, घा से, यहाँ घा लगा दें, इसका मतलब का सबसे भारी, अगर पूछता सबसे भारी कौन है तो आपकी का वाली यहाँ से भारी हो जाती, इसका मतलब उस जो का है वो सबसे भारी है, उससे कम भारी खा है और सबसे कम भारी आपकी का है, इसलिए गा जो है वो सबसे हल्की होगी। ये नहीं है कुछ नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगला प्रश्न बहुत दिमाग से लगाइए आप लोग, रानी के पास नीचे दिए गए आकार के 20 डिब्बे हैं, उसने उन डिब्बों को एक के ऊपर एक रखकर न्यूनतम ऊंचाई की एक इमारत बनाई, बताइए इमारत की ऊंचाई क्या होगी। इस प्रश्न को देख करके आप, अगर मैं एक माचिस की डिब्बी लाया हूं जिसे आप देख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर लंबाई है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ये देखिए ऐसे आप ऐसे देख सकते हैं, इसको लंबाई हो गई आपकी, ये आपकी ऊंचाई हो गया, देखिए ये चौड़ाई हो गया, ये देखिए लंबाई चौड़ाई, अगर आप जैसे भी माने, ये लंबाई मान लो चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसमें सबसे कह रहा है कम ऊंचाई रखना है, तो सबसे कम ऊंचाई आपकी इसकी है, ये 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 3 है, इसके ऊपर आप रखते चले जाइए, ऐसे कितने डिब्बे रखने, 20, तो जो सबसे कम ऊंचाई की है उसको आप ऊंचाई बना लीजिए, तो इसका मतलब एक है 3 की, फिर 3 की रखोगे तो 3 × कितने से डिब्बे ऊपर रखते इसके चले जाओगे 3 में, तो हो जाएगा 20 × 60, यानी सबसे अगर कम ऊंचाई बनाना है तो आपको इस 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई को बना के रखना है, और अगर अधिकतम ऊंचाई बनाना है तो 20 तो हो जाता, अगर अधिकतम ऊंचाई पूछता तो 20 × आपके कितने रखने थे यहाँ के डिब्बे, 20
400 आप बना सकते थे या 20-25-100 जितने भी, मतलब आप जिसको जिस ऊंचाई पे बनाना चाहते उसको बना लेते। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछता कि न्यूनतम अधिकतम ऊंचाई, तो 20 को 20 से गुणा करके बना लेते, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 हमारा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। मनन ने अपनी आयु को 214 से गुणा कर दिया। जैसे हमारी उम्र 10 है तो हमने 214 से गुणा कर दिया, यानी 2140 हो गया। गुणा किया, उत्तर में जो संख्याएं मिली वह 2200 और 2500 के बीच थी। मनन की आयु क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। अब देखिए, अगर मनन 7 वर्ष का है तो 214 से गुणा करोगे तो 7 × 2 = 14, यानी लगभग 1400 के करीब आएगा। तो यहाँ पर हमारी रेंज है 2200 और 2500, ठीक। तो ये तो हो नहीं सकता, 10 से करता हूँ तो ये आएगा 2140, ये भी 2200 में नहीं है, इसका ये भी गलत है। 11 से अगर मैं करता हूँ तो देखिए 11 × 4 = 44 और 11 × 1 = 11 और 4 = 15 और 11 × 2 = 22 और 1 = 23। इसका मतलब ये हमारी 2200 और 2500 के बीच है, इसका मतलब उत्तर सी वाला सही है। 20 अगर लेते हैं तो 2 × 4 यानी 4000 हो जाएगा, जो कि 2500 से अधिक है। दो ये हैं 7 वर्ष और 10 वर्ष, ये 2200 से कम है, इसलिए ये नहीं हो सकती दोनों उम्र, यानी 7 वर्ष और 10 वर्ष। 11 वर्ष बीच में इसलिए होगी और 20 ये जो है 4000, इसका मतलब 2500 को क्रॉस कर जा रही, इसलिए उम्र नहीं हो सकती। तो कुल मिला के प्रश्न बहुत अच्छा है जिसे आपने देखा। चलिए, मतलब क्वेश्चनों को करने के लिए आपको बहुत कागज की नहीं जरूरत है, लेकिन दिमाग की बहुत जरूरत है। अमन खेलने के लिए एक बगीचे में जाता है, वो शाम 7:20 पर खेलना शुरू करता है। बगीचा रात में 8:30 पर बंद होता है, वह कितने मिनट खेला? बहुत आसान सवाल है। आप 7:20 की एंट्री करेंगे तो जैसे ही 8 बजेगा ये, आप तब तक 20 यानी कितना 60 मिनट का होता है घंटा, 40 मिनट खेल चुके होंगे। पुनः आप 30 पर बाहर आ जाएंगे, यानी 8:30 के बाहर, इसका मतलब 30 मिनट आप और खेलते हैं, तो कुल मिला के आपने 70 मिनट जो है बगीचे में बिताए। यानी आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, 7:30 से लेकर चाहे आप घटा के देख लें या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको दूसरे तरीके से घटा भी सकते हैं। 8:30 में से 7:20 घटा लेंगे, 0, 1, 1 घंटा 10 मिनट, चूँकि मिनट में पूछ रहा है तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 10 मिनट पहले उधर थे, तो ये हो गए 70 मिनट। आप कोई भी फंडा यहाँ से अपना सकते हैं और इसे निकाल सकते हैं बहुत आसानी से और देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। अगला प्रश्न है, इनमें से तारा के द्वारा कहा गया कौन सा कथन सही है? यानी तारा कह रही ये आयत है, कह रही ये वर्ग है और ये त्रिभुज है, केवल ए, बिल्कुल सही। हाँ, आयत तो है, केवल खा, खा में वर्ग, ये भी वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर है, केवल का और गा, का और गा, ये भी सही, ये त्रिभुज है, वास्तव में त्रिभुज ही है, ये वर्ग है, इसका मतलब सारे कथन सही है, तो ऑप्शन डी। यानी ये पूछ रहा था कि उसके द्वारा जो कथन कहे जा रहे, चूंकि ये आयत लंबाई चौड़ाई आमने सामने भुजाएं बराबर तो आयत है ही, ये वर्ग है और ये त्रिभुज है, तो यहाँ पर तीनों चीज़ें जो उसने बताई वो बिल्कुल सही बताई। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर देखिए और अन्य लोग भी इसको करने का प्रयास करें। इस संख्या रेखा में दिया गया प्रश्न लगभग कौन सी संख्या, गलत हो गया थोड़ा तो मैं चित्र बना देता हूँ। यहाँ पर ये 2000 है और यहाँ पर ये आपका, नहीं सॉरी, यहाँ 1000 है और यहाँ पर ये 2000 है, इसके बीच में ये 4 बराबर लाइनें हैं और यहाँ पर इस रेखा को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, मिट गया है। तो आप देखें, चूंकि ये बीच में जो आपकी संख्याएं हैं ये आपको 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, मतलब ये 5 लाइनें आपकी बनी हैं, सॉरी ये 5 भागों में यहाँ बांटा गया था, तो 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब ऐसे बटा हुआ है। इसका मतलब 1 2000 से 1000 आप घटाएंगे तो 1000 आएगा
और 1000 को आप जब 5 जगह बांट देंगे तो ये 200 आएगा मतलब। और ये संख्या पूछ रहा है इस वाली संख्या का क्या मान होगा, इसे देख करके ये लग रहा है तो ये 200 है, ये 200 है, ये 200 है, ये 200 होगी, फिर आगे 200 रही होगी, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 यानी 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हो जब यहाँ आई तो 10 2 12 2 14 1400 समथिंग, तो ये तो हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, तो 1475 ये थोड़ा और आगे बना होगा चित्र में, हो सकता है इधर उधर हो गया हो, तो यहाँ पर सही जो आंसर हमारा होगा वो 1475 होगा। आइए देखते हैं आगे, आइए दो प्रश्न भी और देखते हैं और अगले 15 प्रश्न हम अगले वीडियो में लाएंगे। तो देखिए ऊपर दिया गया 231 प्लस 50 बराबर, तो पहले आप देख लें 231 और 50 कितना हो जाता है 281। अब कह रहा है उसमें 20 जुड़ा है तो कितना और होना चाहिए, तो इसमें से 20 सॉरी घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 15 यानी 151 आप यहाँ भर दें। आसान सवाल था तो 251 अगर हम 30 में जोड़ें तो हमारा 281 हो जाएगा। इसी ठीक उसी प्रकार से 231 में अगर हम 50 जोड़ते हैं तो ये छोड़ का प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, पायल ने 5 एक जैसी पुस्तकें 130 रुपए में खरीदी, 130 रुपए की 5 तो एक हम पुस्तक का मूल्य निकाल लें तो 5 2 10 5 6 30 इसका मतलब 26 रुपए की प्रत्येक बुक है यहाँ पे, ठीक है। फिर कह रहा 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद किया वो उसने 100 रुपए में 5 पुस्तकें फिर खरीद ली उसने, तो आप इसको 5 2 10 कर दें यानी 20 रुपए की पुस्तक ली है, तो पहले उसने 26 की वही पुस्तक खरीदी बाद में 20 रुपए खरीदी, पूछ रहा है 6 रुपए बढ़ गए नहीं 6 रुपए घट गए, 6 रुपए घट गए यही सही होगा, 30 रुपए बढ़ गए 30 रुपए घट गए कोई मतलब नहीं, वहां से वो तो 5 पुस्तकों के लिए था, इसमें पूछ रहा था प्रत्येक पुस्तक के दाम में कितने पैसे का अंतर आया यानी 6 रुपए जो है वो कम हो गए हैं, पहले पुस्तक 26 की थी अब 20 की है। दोस्तों ये थे 15 प्रश्न जो मैंने बड़े मेहनत से खोज करके आपके लिए बनाया, और अगले में 15 प्रश्न ढेर सारे उसमें चित्र हैं, थोड़ा टाइम लगेगा तो दूसरा वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगा, और मैं पूरा प्रश्न आपको जीएस का भी रखूँगा, हिंदी भी रखूँगा, और आपकी जो चारों सेगमेंट्स हैं और आपका जी उसका क्या नाम आपका जो है मेंटल एबिलिटी का वो भी रखूँगा। तब तक के लिए देखिए मेरा वीडियो, कर दीजिए लाइक, अगर पहली बार आए हैं तो कर लीजिए इसे सब्सक्राइब, जिस जैसे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। जय हिंद।